हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रैक्शनल नंबर के बारे में। क्लियर, फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं और फ्रैक्शनल नंबर में क्या क्या टर्म्स है। ओके, तो चलिए सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं। देखिए, वैसा नंबर जो कि रिप्रेजेंट करता हो पार्ट ऑफ ए होल का। ठीक है, अब पार्ट ऑफ ए होल क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके क्लास में एक टेस्ट हुआ है, ठीक है, मान लीजिए 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ और आप उसमें 9 मार्क्स लेकर के आए, आपके टीचर किस तरह से मार्क्स देंगे। टोटल मार्क्स आपका है 10, तो नीचे लिखेंगे 10 और ऊपर लिखेंगे 9, यानी कि 10 में आप 9 मार्क्स लेकर के आए। ठीक है, तो इस तरह नंबर को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर। अब जो ऊपर वाले नंबर होता है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। ठीक है, और जो नीचे वाला नंबर होता है उसे हम लोग बोलते हैं डिनोमिनेटर। चलिए अब इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए हमारे पास एक फिगर मैं लेता हूँ, ठीक है, अभी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो मैं फ्रैक्शन नहीं बोल पाऊँगा। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है, और इसमें एक पोर्शन में शेड किया हुआ है। ठीक है, तो जो पोर्शन में रंग किया हुआ है उसे हम लोग बोलते हैं शेडेड पोर्शन। क्या बोलते हैं, शेडेड, और जो रंग नहीं किया हुआ है उसे हम लोग कहते हैं अनशेडेड। क्लियर, क्या कहते हैं, अनशेडेड। तो अगर मैं आपसे पूछूं शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए, तो देखिए सबसे पहले ये काउंट करेंगे कि इसमें कितना बॉक्सेस हैं। देखिए 1 2 3 4, टोटल हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं। ठीक है, तो नीचे टोटल कितना लिखेंगे, 4। अब देखिए ऊपर में शेड कितना बॉक्स किया हुआ है, बस ओनली 1, तो हमारा फ्रैक्शनल हो जाएगा 1/4। क्लियर, चलिए अगर मैं पूछूं अनशेडेड का बताइए, ये तो शेडेड का फ्रैक्शन हुआ। अब मैं आपसे पूछूंगा अनशेडेड का, देखिए अनशेडेड मींस कितना रंग नहीं किया हुआ है। देखिए 1 2 3 और टोटल बॉक्स कितना है मेरे पास, तो टोटल 4 है, और रंग किया हुआ कितना नहीं है, तो 3 नहीं, यानी कि 3/4। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि टोटल पार्ट हमेशा नीचे होगा और जितना आपका पूछा गया वो ऊपर होगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं जो पूछा गया उसे हम लोग पार्ट बोल रहे हैं और जो नीचे है वो टोटल आपका होल है। क्लियर, चलिए अब एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसमें टोटल आपके पास मैं कुछ छोटा छोटा बॉक्सेस बना देता हूँ, ठीक है, और इसमें मैंने 2 बॉक्स को कलर कर दिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन बताइए, तो देखिए सबसे पहले तो आप देखेंगे टोटल कितना बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बॉक्सेस हैं। इसमें से कलर कितना है बॉक्स किया हुआ, 2, तो टोटल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/6। क्लियर, चलिए अब इसके और कुछ हम लोग टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इसका टर्म्स पढ़ते हैं लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, तो लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, देखिए वैसा नंबर जिसका डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, वैसा नंबर जिसमें डिनोमिनेटर आपका क्या हो, सेम हो, तो उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल 1/7, 3/7, 5/7, 9/7, ये सारे नंबर में देखिए डिनोमिनेटर सभी का क्या है, सेम है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। क्लियर, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 2/3, 7/3, 8/3, तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, लाइक फ्रैक्शन। व्हाई, बिकॉज इट्स डिनोमिनेटर इज सेम। ओके, जस्ट इसी का अपोजिट है अनलाइक फ्रैक्शन। देखिए अनलाइक किसे कहेंगे, जिसका डिनोमिनेटर आपका सेम नहीं हो। ठीक है, मान लीजिए किसी का 1/7 है, किसी का मान लीजिए 2/5 है, किसी का मान लीजिए 3/8 है, देख रहे हैं डिनोमिनेटर वेरी कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। तो डिनोमिनेटर सेम हुआ तो लाइक, और डिनोमिनेटर सेम नहीं हुआ तो अनलाइक, सिंपल। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन ये बहुत ही सिंपल है, जिसके ऊपर 1 हो वो क्या कहलाता है आपका, यूनिट फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल 1/7, 1/2,
1/3। देखिए सारे नंबर के ऊपर न्यूमरेटर देखिए, वो न्यूमरेटर क्या है आपका 1। तो अगर न्यूमरेटर आपका 1 हुआ तो क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। जितने भी नंबर हैं सब में अगर 1 आ गया तो आपका क्या कहलाएगा, यूनिट फ्रैक्शन। ओके चलिए नेक्स्ट हमारा पॉइंट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग वैसे नंबर को बोलते हैं जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा और जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होगा। क्लियर, मतलब न्यूमरेटर से बड़ा कौन होगा आपका, डिनोमिनेटर। जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1/2, देखिए इसमें न्यूमरेटर आपका 1 है और डिनोमिनेटर आपका 2 है, बड़ा है डिनोमिनेटर। नेक्स्ट 3/5, देखिए न्यूमरेटर आपका 3 है और डिनोमिनेटर आपका 5 है। नेक्स्ट 7/9, देखिए न्यूमरेटर आपका 7 है और डिनोमिनेटर आपका क्या है, 9। ठीक है, नेक्स्ट 4/5, न्यूमरेटर आपका 4 है और डिनोमिनेटर आपका 5 है। देख रहे हैं नंबर को, आपका जितने भी नंबर है सब में डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर आपका छोटा है। तो जिसमें न्यूमरेटर छोटा होंगे और डिनोमिनेटर बड़ा होंगे उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जस्ट इसका अपोजिट है। इसमें आपका न्यूमरेटर छोटा था, डिनोमिनेटर बड़ा था, और इस केस में आपका क्या होगा, इस केस में आपका हो जाएगा न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल 7/2, ठीक है 5/3, 7/3, देख रहे हैं न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, आप इसे अच्छे से माइंड में सेट कर लें, प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बड़े होते हैं और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, क्या बोला मैंने, मिक्स्ड फ्रैक्शन एक तरह का कॉम्बिनेशन है होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन का। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल कुछ मिक्स्ड फ्रैक्शन का बताता हूँ, 1/2/3। ठीक है, तो ये क्या हुआ, देखिए जो आपका ये पहला आगे का जो पार्ट है वो आपको क्या दिखा रहा, होल नंबर, और ये वाला जो पार्ट आपका क्या दिखा रहा, फ्रैक्शन यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन दिखा रहा। चलिए अब क्या करना है, ये मिक्स्ड को सॉल्व किस तरह से करेंगे। ठीक है, अगर मिक्स्ड को हमें सॉल्व करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बहुत ही ईजी है। देखिए मान लीजिए फर्स्ट एग्जांपल हमारा जो है वो क्या था, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये दोनों नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा आंसर में से ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 इट मीन्स 4+1/2, तो क्या हो जाएगा आपका 5/2। क्लियर, तो ये कन्वर्ट हो गया आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, है ना। चलिए नेक्स्ट इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 × 5+2/3। क्लियर, तो देखिए 5 × 3 = 15+2/3 यानी कि 17/3। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है 3 1/2, तो क्या हो जाएगा ये 2 × 3+1/2 यानी क्या हो गया आपका 6+1/2 यानी कि 7/2। इसी तरह आप हम लोग क्या कर सकते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसा होगा, देखिए मान लीजिए एक नंबर है 7/2 जो ऊपर में लिया हुआ है उसी को मैं ले रहा हूँ, अब इसे हमें मिक्स्ड में लिखना है तो हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए इस नंबर को आप डिवाइड कर दीजिए, जो नीचे है वो तो आप पहले नीचे रख दें। क्लियर, जो आपका रिमाइंडर बचा वो आपका ऊपर लिखाता है। ठीक है, और जो आपका क्वेश्चन होता है वो कहाँ लिखाता है, वो सामने लिखाता है होल नंबर के जगह पर। ठीक है, ऊपर में याद रखें क्या लिखाता है, रिमाइंडर। क्लियर, तो इसे हम लोग अगर मिक्स्ड में लिखेंगे तो हो जाएगा 3 1/2। क्लियर,
तो कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर आपके पास है 5/4, आपको इसको लिखना है मिक्स्ड में। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, आप डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, डिवाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 4, 1 बचा, यानी कि जो नीचे है वो तो नीचे रहने वाला है, जो रिमाइंडर बचा है वो ऊपर लिखा जाएगा और जो यहाँ पे बचा वो क्वेश्चन, याद रहे हमेशा ऊपर में रिमाइंडर लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, 1 whole 1/4, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग किसी भी इम्प्रॉपर को मिक्स्ड में कन्वर्ट इजिली कर सकते हैं।